हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी को तनुजा विलेज ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और ये टाइम हो रहा है सुबह का। मेरी नानी यहाँ पे जो साग होता है ना कद्दू का, वो तोड़ रही है, क्योंकि हमें आज कद्दू की साग बनानी है। और आज का जो दिन है ना, बहुत बुरी वाली दिन है, क्योंकि आज मैं अपने घर जाने की तैयारी कर रही हूँ। जाऊँगी तो नहीं, कल जाऊँगी, लेकिन ना तैयारी, जैसे कि कपड़े वगैरह इधर उधर पड़े हुए हैं, तो समेट की ना अपनी जो पैकिंग है वो करनी है। तो पैकिंग के दिन से ही ख़राब लगता है ना, कि हमें पैकिंग करना होता है तो लगता है कि कल तो फिर चले जाएंगे, तो बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी नहाने के लिए जा रही है, और बस यहाँ पे देखिए आप लोग, पानी पूरी भी बना हुआ है। पानी पूरी मतलब बेल के रखे हैं। पानी पूरी बेलने के बाद थोड़ा टाइम, जैसे कि 5-10 मिनट रखते हैं उसको, उसके बाद जाके उसको तला जाता है, तभी ये अच्छे से फूलता है। तो यहाँ पे मेरी नानी की जो छोटा सा गार्डन है, देखिए यहाँ पे फूल गेंदा का जो है वो लगाया हुआ है, और मेरी नानी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये सब काम। और नीचे भी बहुत सारे मतलब कि छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं, फूल के पौधे हैं और भी बहुत सारे हैं। और यहाँ पे देखिए कद्दू की साग भी तोड़ के फिर जो फूल होता है ना वो भी निकाला है। तो बस यहाँ पे मेरी बड़ी माँ भी आई हुई है, और सब लोग यहीं पे ही हैं, तो बस सब लोग बातचीत कर रहे हैं। और बस ये सब चलता है गांव की लाइफस्टाइल, विलेज लाइफ, जहाँ पे ये सब आते जाते रहते हैं, घर के आसपास के लोग आते जाते रहते हैं, जिससे ना घर हरा भरा लगता है, बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होता। लेकिन क्या होता है ना, हम जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे बिल्कुल कोई आता जाता ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया था अभी अभी जो दिखाया मैंने। और यहाँ पे जो मेरी नाना, जो मेरी फूफी है ना, उसकी जो बेटा है, आप लोगों ने पूछा था वो कौन है, तो वो मेरी फूफी की बेटा है। जैसे कि मेरी क्या बोलते हैं उसको, हमारे इस यहाँ पे जैसे कि संबलपुरी में हम लोग उसको जिया बोलते हैं, मतलब अपने पापा की बहन का लड़का जैसे कि। तो बस यहाँ पे वो दिखा रहा है ऊपर का व्यू, क्योंकि वो ऊपर चढ़ा हुआ है और हम लोग तो कभी नहीं चढ़ पाते छत के ऊपर, क्योंकि जो सीढ़ी है ना वो नहीं है हमारे यहाँ। सीढ़ी जो मतलब लकड़ी की सीढ़ी होती है ना, उसमें चढ़ा जाता है, बांस की जो होती है। तो ऊपर का व्यू देखिए बहुत ही सुंदर है, और ऊपर भी ना कद्दू ये सब मतलब कि लगा हुआ है, तो वो बस तोड़ने के लिए गया था। तो यहाँ पे देखिए मेरी नानी जो है वो साग तोड़ रही है। हमारी बाड़ी में ही सब कुछ है, मतलब कि जो कद्दू है, कद्दू की साग है, और भी बहुत सारे सब्जियां हम लोगों ने बाड़ी पे लगाया हुआ है। तो यहाँ पे मेरी नानी ये सब काट रही है, क्योंकि हमें साग बनानी है। और हमारे गांव में ना 3-4 सब्जी नहीं बनती है, बस एक सब्जी बन गई, एक दाल बन गई और चावल। हमारे गांव में ऐसा नहीं है, मतलब कि हमारे घर में, गांव में नहीं कहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि 2-3-4 सब्जी बनाते हैं, खाते हैं। बाकी ना हमारे घर में एक ही सब्जी बनती है, कभी कभार दो बन जाती है, बाकी दाल रहता है, दाल तो हमेशा ही रहता है, दाल के साथ एक सब्जी रहती ही है, और अचार वगैरह ये सब करके हम लोग खा लेते हैं गांव में। और मेरी मम्मी को बिल्कुल टाइम ही नहीं होता, जैसे कि मेरी नानी को देखिए आप लोग कर रही है वो सारा काम, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा उसमें लगी रहती है, जैसे कि पानी पूरी बनाने में। और पानी पूरी अगर नहीं बनाओगे ना, तो जो 2 पैसे घर चलने के लिए आ रहा है ना, वो भी बंद हो जाता है। तो बस, और यहाँ पे हम लोग नहाने जा रहे हैं, हम लोग जाते हैं नहाने तालाब। तो आप लोगों को तालाब मैंने नहीं दिखाया हिंदी में, मेरी संबलपुरी में मैंने तालाब दिखाया हुआ है। मेरी संबलपुरी का जो चैनल का नाम है वो है प्रशांतनु संबलपुरी ब्लॉग्स। कल, हाँ कल मुझे किसी ने कहा था कि दीदी हमने आपका चैनल मुझे नहीं मिला बोल के, तो प्रशांतनु संबलपुरी ब्लॉग्स है। और भी किसी ने कल मुझे कहा था कि आपकी चूल्हा कितना गंदा है, तो ना देखिए हाँ दिखता है गंदा, क्योंकि ना पानी पूरी हमेशा तला जाता है, और जब पानी पूरी तलते हैं जो तेल की छींटे होती है ना, वो सारी जगह पर लग जाती है, जो कि बिल्कुल नहीं छूटती, जैसे भी करो आप
तो उसी लिए गंदा दिखता है, नहीं तो बिल्कुल गंदा नहीं है। आपको लगा होगा कि शायद गंदा है, ऐसा नहीं है। तेल जितने भी आप लोग को गंदा दिखाई दे रही है ना, वो सब तेल के छींटे होते हैं जो कि नहीं छूटते बिल्कुल। तो बस इसी लिए आपको गंदा दिखाई देता है, बाकी साफ सब साफ ही है सब कुछ। और बस ये सब अच्छा नहीं लगता ना, लोग बिल्कुल समझते ही नहीं बिल्कुल, और बस कमेंट कर देते हैं आके, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे ये सब। और हाँ, अच्छी बात है, लगता है कि हाँ चलो मतलब अगर कोई अच्छी बात बोलते हो तो लगता है कि चलो अच्छी बात कही है, उसको हम सुधार सकते हैं। लेकिन जो लोग ना जानबूझ के गलत कमेंट करते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और हाँ, अगर कोई चीज़ हो तो ही आप लोग कमेंट करो, तो ही हम उस चीज़ को सुधार सकते हैं। जैसे कि चूल्हा गंदा है, हाँ आपको नहीं पता इसीलिए आपने कहा, मैं मानती हूँ। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को पता होता है, फिर भी वो गलत कमेंट करने के लिए वो लोग कमेंट करते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मेरी मम्मी कद्दू की साग बना चुकी है, और यहाँ पे हम लोग बाहर थोड़ा सा मैं घूमने आई हूँ, खाना पीना हो चुका है अभी। अभी संबलपुरी में कुछ मैं आप लोग को सुनाऊँगी। देखिए यहाँ पे मेरी बड़ी माँ है, ये उनका घर है, और ये मेरी जो भाभी हैं छोटी वाली। मेरी बड़ी माँ का जो है दो बेटे हैं, एक मतलब कि एक ही है घर पे अभी, तो एक ही को मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, और फिर हम लोग चलेंगे घर। तो देखिए ये मेरी बड़ी माँ का छोटा लड़का है, मेरी बड़ी माँ का जो है बेटी नहीं है, बस दो लड़के हैं। तो मेरी बड़ी माँ ना, मैं शुरू से ही मुझे बहुत अच्छे से रखा था, जैसे कि एक बेटी को रखा जाता है। मेरी जो भाई लोग हैं वो लोग भी, तो बस तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी ना, जो मेरी भाभी मैंने अभी दिखाया आप लोगों को, वो भाभी ना अभी गांव जाने वाली हैं, मतलब उनकी मायके। दशहरे के महीने में हमारे यहाँ सभी बेटियाँ अपनी माँ के यहाँ जाते हैं। तो देखिए मेरी मम्मी उनको लाड़ कर रही है, क्योंकि वो जा रही हैं, तो बस इसीलिए उनकी मम्मी लेने आई हैं। और ये जो वीडियो, ये छोटा सा जो क्लिप है ना, ये मैं संबलपुरी में भी डालूँगी, तो आप लोग संबलपुरी में भी देखना। तो बस बाय बाय, आई लव यू कह दिया, आई लव यू पर कोई आई लव यू टू कह दिया को दुई लोग आई लव यू टू है ताके कहते रे पुसो बहु पलाले कांद टिके मोर बहु पलाले जे दाउतमैन अच्छे कह मोर नानी के ठीक है डांस कर दियो दही लोग का खो 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 पॉपी गुटे दे देते ना पॉपी गुटे दे पॉपी गुटे दे गाड़ी तो दूसरी है वो तमन्ना नाटन उन्हें राग रहे हैं नहीं लागो कहाँ चला गये हमारे तो मुर्गी नूर आए तू बुड़ी बुढ़ानी हुए सी मोर बारे ना भाई कह छे कांजी तम अच्छे कह छे कांजी को रिंकी ना रे कोनिया कैसी ना रे कोनिया बड़ी
पोला गोर उड़े थी आनी अच्छी पे ही दबा गाड़ी हाँ रोड टके ना देखू छ चिपे ही थी लान हो के ना रे नी नी हाँ काम के करवा ओए सब पोला लेकिन था ना आने का ना जिसमें आनी तो ये सब हंसी मजाक लगा रहता है गांव में तो बहुत ही अच्छा लगता है ये सब माहौल ना मतलब कि और कहीं पे नहीं मिलता जैसे टाउन जगह में होता है वो सब में नहीं मिलता क्योंकि वहाँ के लोग ना घर से निकलते नहीं है कोई किसी से मतलब नहीं है कोई किसी के घर जाते नहीं है हमारे गांव में तो ऐसा ही होता है। तो बस चलिए आज का वीडियो एंड करती हूँ मैं। आप लोगों को कैसा लगा बताना, अगर अच्छा लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।